ज़ेलेंस्की की आर्मी रूस के ड्रोन भी गिरा रही है, रूस के टैंक भी तबाह कर रही है और रूस के अटैक हेलीकॉप्टर्स का भी शिकार कर रही है और एक काउंटर अटैक भी रूस के हथियारों से हो रहा है। कैसे खारकीव के बाद अब क्राइमिया पर भी अटैक का प्लान ज़ेलेंस्की ने तैयार कर लिया है, रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन का रक्षा मंत्रालय इस वक्त युद्ध भूमि में ऐसे ऐसे खौफनाक वीडियो रिलीज कर रहा है कि रूस के लोगों में दहशत बैठती जा रही है। आखिर रूस के लोग यूक्रेन में... क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। जाकर अपनी जान गंवाने से क्यों घबरा रहे हैं? इस सवाल का जवाब आपको यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक नजर डालते ही मिल जाएगा। सबसे पहले ये वीडियो देखिए और इसको यूक्रेन ने रूस के ही एक हथियार से मार गिराया है। आखिर वो हथियार कौन सा है, आपको आगे बताएंगे। अब देखिए ये वीडियो जो यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। देखिए कैसे रूस के अत्याधुनिक टैंकों को विस्फोट से गोड़ाया जाता है और इसको बाकायदा फिल्माया जा रहा है। ये वीडियो भी यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें रूस के सैनिकों को पहले कार में भागते और फिर उसी कार पर धमाका करते दिखाया गया है। यूक्रेन ने हाल ही में रूस का हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया है और यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की ओर से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया। इस वक्त रूस में ये ट्रेंड हो रहा है कि अपना हाथ कैसे तोड़ें, इसलिए क्योंकि रूस के लोग ये जंग नहीं लड़ना चाहते हैं। इसकी वजह ऐसी ही तस्वीरें हैं जो यूक्रेन का रक्षा मंत्रालय लगातार रिलीज करके रूस के अंदर खौफ पैदा कर रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के जारी किए गए इस वीडियो में रूस का हेलीकॉप्टर Ka-52 को ध्वस्त होते हुए दिखाया गया है। ये रूस का सिंगल सीट अटैक हेलीकॉप्टर है। रूस के इस बेजोड़ हेलीकॉप्टर का अटैक बेहद खतरनाक होता है। ये हेलीकॉप्टर मशीन गन की तरह फायर कर सकता है। इन हेलीकॉप्टर में सॉकेट्स होते हैं जहां से टारगेटेड हमला किया जा सकता है। इन हेलीकॉप्टर में फायर रॉकेट्स होते हैं जो बहुत तेजी से दुश्मन के ठिकानों को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन रूस के इतने खतरनाक हेलीकॉप्टर को भी यूक्रेन की फौजों ने धूल चटा दी। आखिर कौन से हथियार से रूस का यह बेहद खतरनाक हेलीकॉप्टर ध्वस्त किया गया? यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के ट्वीट के मुताबिक यूक्रेन के सैनिकों ने 9K-38 एकला से ध्वस्त कर दिया। देखिए वो पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम जिसे कहा जाता है 9K-38 एकला। ये सोवियत के जमाने का पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको बनाया था सोवियत संघ। चेचन युद्ध में सोवियत संघ की फौजों ने इसी एयर डिफेंस सिस्टम से भारी तबाही मचाई थी। लगभग 1.5 मीटर के इस वेपन से निकलने वाली शॉर्ट रेंज मिसाइलें आसमान में किसी भी ऑब्जेक्ट पर कहर बनकर टूटती हैं। ये सोवियत के जमाने का हथियार था जिससे यूक्रेन की फौज ने रूस को ही नुकसान पहुंचा दिया।